Bismillahir Rahmanir Raheem, Assalamu students, class 9, Unit 8, Thermal Properties of Matter. The topic we'll discuss today is thermal expansion in liquids. First, we will revise what is thermal conductivity. So, thermal conductivity is whenever we heat something, it gets a the temperature. There is increase in its temperature. On the other hand, when we Decrease the heat when we get the heat from back from that system, the decrease in temperature will be observed. On that basis, we discuss about the thermal conductivity in solids, in which we discuss about the linear expansion and then volumetric expansion. Now we have to discuss about the thermal conductivity in liquids. सो फॉर लिक्विड्स बी नो दैट के हमें लिक्विड्स के लिए कोई ना कोई कंटेनर चाहिए होते बिकॉज लिक्विड डो नॉट हैव देअर ऑन शेप उनकी अपनी शेप नहीं होती दे गेन द शेप ऑफ अ कंटेनर इफ दे आर कैप्ट अब जब हमने उसे हीट करना है तो पहले वो जो कंटेनर होगा वो हीटअप होगा ऑफकोर्स वो कोई सॉलिड होगा वो किसी मटेरियल से बना होगा रदर ग्लास से बना होगा मेटल से बना होगा डिफरेंट हो सकते हैं और फिर उसके बाद वो जो हीट होगी वो लिक्विड तक जाएगी सो so, हमारे पास किसी भी लिक्विड को हीट करने के लिए हमें दो स्टेप्स लेने होंगे एक हमें कंटेनर को हीट अप करना पड़ेगा और फिर हमारे पास लिक्विड हीट अप होगा मींस पहले हीट कंटेनर तक जाएगी कंटेनर हीट अप होगा टेम्परेचर गेन करेगा एंड देन हीट विल मूव टूवर्ड्स द लिक्विड राइट सो so, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कहता है कि कंटेनर एक्सपेंड फर्स्ट ड्यू टू विच द लेवल ऑफ वाटर फॉल्स डाउन अब क्या होगा जैसे ही हमारे पास कंटेनर एक्सपेंड करेगा तो पानी का लेवल उसमें से कम हो जाएगा ना देखिए पानी पहले जब उसमें था कंटेनर हमारे पास इतना एक्सपेंडेड नहीं था तो पानी उसमें ज्यादा था पानी का लेवल ज्यादा था यहाँ पर हम डायग्राम में भी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंटेनर है जो पहले हीटअप नहीं है तो हमारे पास इसका ये लेवल है ठीक निश्चित लेवल हम वी, वन कर देते हैं ये लेवल है अब जैसे ही इसे हीट मिली ये एक्सपेंड हुआ तो एक्सपेंड होने के बाद क्या हुआ वाटर का लेवल ड्रॉप हो गया थीक? तो यही बात कर रहा है कि हमें दो चीजें देखनी होती हैं कि हमें पहले क्या करना है कंटेनर हीट अप होगा जब हम हीट देंगे जैसे ही कंटेनर हीट अप होगा तो वाटर क्या होगा ये कोई भी लिक्विड इसके अंदर हो वो क्या होगा दैट विल कम डाउन उसका लेवल कम होगा और उसके बाद जब हीट इस लिक्विड तक जाएगी तब इसकी बारी आएगी इसकी एक्सपेंड होने की सो द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज नॉट बाय अस द रियल एक्सपेंशन बट इट इज एन अपरेटिव एक्सपेंशन इसलिए हम जो ऑब्जर्वेशन देख रहे होते हैं ना वो रियल ऑब्जर्वेशन नहीं होती वो हमारे पास समथिंग अपरेंट होती है अब हमारे पास अपरेंट और रियल ऑब्जर्वेशन दोनों में फर्क क्या है वह देखते हैं

Now, अब देखिए यहाँ पे अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास जो रियल एक्सपेंशन है ना कि फर्स्ट लेवल जो लिक्विड का था दैर एल वन ये जो है वन अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास हम कलर्ड लिक्विड यूज करें कलर्ड लिक्विड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इजीली उसको ऑब्जर्व कर सके अब जैसे ही हमारे पास ये हीटअप हुआ हमारे पास कंटेनर हीटअप uh, हुआ तो वाटर का लेवल कम हो गया ऐसे ही होगा ना अब वाटर का लेवल जब कम हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि पानी की बारी आएगी या जो भी हम लिक्विड यूज कर रहे हैं उसकी हीट अप की बारी आएगी जब उस तक हीट जाएगी अब वो एक्सपेंड करेगा अब जब वो एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा इट विल गो फ्रॉम एल टू टू एल थ्री ये हमारे पास क्या होगी रियल एक्सपेंशन होगी अब कहता है हमारे पास ये जो एक्सपेंशन आई फ्रॉम एल टू टू एल वन दैट इज़ द अपरेंट एक्सपेंशन और ये एल करते हैं so, तो लिक्विड में हमें कंटेनर चाहिए होगा कंटेनर हीटअप होगा तब जाके हमारे पास लिक्विड हीटअप होगा क्योंकि हमारे पास लिक्विड को रखने के लिए कंटेनर ही है अब क्या है कि कंटेनर जब तक हीटअप नहीं होगा तब तक हमारे पास लिक्विड हीटअप हो ही नहीं सकता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं से ये हमारे पास कंटेनर हीट अप हुआ कंटेनर के अप होने के बाद जो हमारे पास लिक्विड था उसका लेवल राइज हुआ फिर जो उसका लेवल राइज हुआ उसे हमने कहा दैट इज द रियल एक्सपेंशन वो क्या है हमारे पास रियल एक्सपेंशन है कि हमारे पास कंटेनर के हीट अप होने के बाद उसके एक्सपेंड होने के बाद जो राइज इन लिक्विड आएगा वील कॉल दैट द रियल एक्सपेंशन हम उसे क्या कहेंगे दैट इज द रियल एक्सपेंशन डिनोट करते हैं वी uh, आर से वॉल्यूम रियल uh, के साथ द रियल नाउ मूविंग कहता है हमारे पास कोफिशंट ऑफ रियल एक्सपेंशन कोफिशेंट ऑफ रियल एक्सपेंशन में हमने क्या कहा कि हमारे पास दैट इज गेमा आर इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम में कितना आएगा डिवाइड बाय द ऑरिजिनल वॉल्यूम इन टू राइज इन टेम्परेचर कि हम उसका

एपरेंट एक्सपेंशन कि हम यहाँ पे ये इसकी वॉल्यूम था ओरिजिनल और यहाँ से ये यहाँ तक आया इसमें हम ये एल टू वाली जगह नहीं ले रहे एल टू का साइन नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे जो इसके इसका डिक्रीज इन वॉल्यूम आया था वो क्यों आया था क्योंकि हमारे पास जो कंटेनर था वो क्या कर रहा था एक्सपेंड हुआ उसकी वजह से हमारे पास इसका डिक्रीज इन वॉल्यूम आया और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये एक्सपेंड हुआ ना तो ये कहता है कि हमारे पास अपरेंट एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं कि ये जो डिक्रीज आया इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो हमारे पास कंटेनर की वजह से आया वो लिक्विड वोड कुछ भी नहीं है तो कहता है जब हम ये लेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल जो लिक्विड था लेवल था उसका हम राइज लेंगे टू द लेवल जैसे एल थ्री है तो ये हमारे पास क्या है दैट इज द अपरेंट एक्सपेंशन ये हमारे पास क्या है अपरेंट एक्सपेंशन है कहता है अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस होता है ना हम सारे लेवल तो नहीं बता सकते सो वी हैव टू ओनली टेन के हम टेल की कौन सा हमारे पास फर्स्ट लेवल था प्राइमरी क्या था और लास्ट लेवल क्या था हम सिर्फ ये बताते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुई जैसे यहाँ पे हम एल टू और एल थ्री बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ और दैट वॉज द एंडिंग पॉइंट आप कहता है हमारे पास जो रियल एक्सपेंशन होती है वो अपर अपरेंट एक्सपेंशन से हमेशा ज्यादा होती है यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जब आप रियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो उसकी हाइट ज्यादा है लेकिन जब आप अपरेंट एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो वो

L2 हमारे पास यहाँ पे उसका लेवल डिक्रीज हो गया ये देखिए यहाँ से यहाँ इसका लेवल कम हो गया अब जब इसका लेवल कम हो गया मींस सेट अभी वो लेवल है जब ये कंटेनर जो है ये एक्सपेंड कर रहा है इनिशियली वेसल एक्सपेंड एंड द लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स हमारे पास क्या कर रहा है वेसल एक्सपेंड कर रहा है कंटेनर एक्सपेंड कर रहा है तो लिक्विड फॉल डाउन हो जाता है अब जब कंटेनर हो गया गर्म उसके जितनी एक्सपेंड होना था जितनी एक्सपेंशन होनी थी होगी अब लिक्विड की बारी आ गई अब लिक्विड क्या करता है हीट रिसीव करना स्टार्ट करता है और उसका लेवरइज होना स्टार्ट होता है एंड इट विल गो टू द एल थ्री वो एल थ्री तक चला जाता है नाउ हियर वी हैव टू सी व्हाट इज़ द रियल एंड व्हाट इज द एपरेंट एक्सपेंशन तो अगर हम रियल एक्सपेंशन की बात करें तो रियल एक्सपेंशन हमारे पास ये जो एल टू के बाद ये एल थ्री तक गया है ना तो हम उसको एल टू टू एल थ्री इज द रियल एक्सपेंशन लेकिन अगर हम एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर को इग्नोर कर देते हैं कि हमारे पास हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। हमारे पास इनिशियली लेवल ये था उसके बाद वो यहाँ गया नहीं गया कंटेनर uh, की एक्सपेंशन हुई नहीं हुई तो हमारे पास एल टू से एल वन से एल थ्री तक आया तो दैट इज द देंट एक्सपेंशन क्लियर इट वॉज ऑल अबाउट द Expansion of the liquid. Hope so it will be clear. Do like, subscribe, and share. Thank you.